बनाने के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले लो, और रेक्टेंगल या फिर आप यहाँ पे शेप टूल्स पे क्लिक करो, इसमें से बेसिक शेप पे क्लिक कर लो, और बेसिक शेप में जाके यहाँ पे एक शेप है ये ले लो, इस तरह से इसका साइज ले लो जितना आप लेना चाहो, 6 ले लिया हमने, और यहाँ पे 1.5 ले लिया। इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, और इसको इस तरह से यहाँ पे ये रख लिया, इस तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर इसे भी नीचे लिया। लाने के बाद इसमें क्लिक करा, इसमें कलर करना, तो यहाँ से केसरिया कलर कर लगे हम, और इस पर क्लिक करा के यहाँ से इसमें व्हाइट कलर कर लगे, यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करा के इसमें ग्रीन कलर कर लगे यहाँ से। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे शोक चक्र हमें यहाँ पे रखना, इसको पेज फर्स्ट पे जाके जो भी हमने बनाया था इसका साइज यहाँ से कम कर लगे, और साइज कम करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, इसे उठा के यहाँ रख लगे। पहले इसके यहाँ से आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन करने के लिए इस पर क्लिक कर दो, और इसको उठा के इसमें रखना, तो इसका साइज थोड़ा सा और कम कर लो, और इसे उठा के यहाँ रख दो, ये रखेगा। रखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ज़्यादा रख लो, इस तरह इसको सेलेक्ट कर लो जी आप। तो ये इस तरह से हम फ्लैग यहाँ पे बना सकते हैं, और ये फ्लैग बन जाएगा इस तरह से। अगर आप इसका प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देख लगे, या फिर शॉर्टकट होती है उससे प्रीव्यू कर लगे। ये देखो ये बन गया आपका फ्लैग, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्लैग डिजाइन बना सकते हैं, क्लोज कर देंगे। अगर आपको इसे डेस्कटॉप पे सेव करना, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको फॉर ऑफिस, और ओके करेंगे, और फ्लैग नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, और मिनिमाइज करेंगे, और ओपन कर लेंगे। ये बढ़िया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपका फ्लैग बन जाएगा।